Assalamualaikum दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने सिस्टम यूनिट के टॉपिक का आगाज किया था। सिस्टम यूनिट का टॉपिक पंजाब टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मौजूद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में पढ़ाई जाने वाली दूसरी बुक्स के चैप्टर नंबर 1 के अंदर ये टॉपिक मौजूद है। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने सिस्टम यूनिट के अंदर मौजूद मदरबोर्ड और मदरबोर्ड पर मौजूद उसके कॉम्पोनेंट्स जैसे कि माइक्रोप्रोसेसर और माइक्रोप्रोसेसर के अलग अलग हिस्सों को डिटेल में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम मदरबोर्ड पर मौजूद दूसरे चिप्स जैसे कि कैश, वर्चुअल, वीडियो और फ्लैश मेमोरीज को डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों, हमने प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस यानी प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरीज को हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। तो दोस्तों, आइए अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। जब भी हम स्टोरेज की बात करते हैं तो हमारे जहन में दो मेमोरीज आती हैं, रैम और रोम। लेकिन क्या कोई और भी मेमोरी होती है जो कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाती है? वो कहलाती है कैश मेमोरी या फिर सीपीयू कैश। ये कैश विद ई, इसकी प्रोनाउंसिएशन अक्सर गलत की जाती है। इसको लोग कैशे मेमोरी भी कह देते हैं। कैशे इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं है, यानी इसको कैशे नहीं बोला जाता बल्कि इसको कैश मेमोरी कहा जाता है। तो दोस्तों, होता ये है कि जब सीपीयू को कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी टास्क परफॉर्म करना होता है तो वो टास्क, वो इंस्ट्रक्शन सबसे पहले मेन मेमोरी के अंदर रखी जाती है। इसकी वजह से सीपीयू जब मेमोरी के साथ काम कर रहा होता है तो सीपीयू की एक खास स्पीड है जिससे वो काम कर रहा है। मेमोरी के साथ काम करने में सीपीयू को जो मसला पेश आता है वो ये है कि सीपीयू की स्पीड मेमोरी के निस्बत बहुत ज्यादा तेज होती है। सीपीयू जो मेमोरी से डेटा ले रहा है और दे रहा है और जो इंफॉर्मेशन दे रहा है और भेज रहा है उसकी एक खास स्पीड है। अगर उस स्पीड पर सीपीयू मेमोरी के साथ इंफॉर्मेशन और डेटा को भेजता रहे या फिर लेता रहे तो सीपीयू बेशतर टाइम अपना फारिग गुजारेगा, क्योंकि सीपीयू की स्पीड मेमोरी की स्पीड से बहुत ज्यादा तेज होती है। इसीलिए जरूरत पड़ी एक ऐसी मेमोरी की जो रैम की निस्बत यानी मेन मेमोरी की निस्बत ज्यादा तेज हो। सीपीयू के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उनमें एक कंपोनेंट, एक हिस्सा कैश मेमोरी कहलाता है। तो दोस्तों, आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपने ऑफिस में हैं और अपनी डेस्क पर कुछ काम कर रहे हैं और जो बैक ऑफिस है यानी आपकी हार्ड डिस्क, वहां सारी की सारी फाइल्स रखी हैं जिस पर आपको काम करना है। तो दोस्तों, वो बैक ऑफिस हो गया हार्ड ड्राइव और जो डेस्क है वो है रैम। और जब भी आपको कोई फाइल्स चाहिए होती है, आप ये उनको कहते हैं, वो उन फाइल्स को डेस्क पर लाकर रख देता है। तो वो डेस्क रैम है और जितनी ज्यादा बड़ी वो डेस्क है उतनी ज्यादा फाइल्स उस पर रख सकते हैं। और उस डेस्क में जो ड्रॉअर्स हैं वो कैश मेमोरी है, वो छुट्टी है लेकिन वो इजीली एक्सेसिबल है यानी आपकी पहुंच में है। आपने ड्रॉअर खोला, अपना काम का सामान निकाला और इस्तेमाल कर लिया। उन ड्रॉअर्स में आप वो सामान रखते हैं जिनकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है दिन भर में, चाहे वो स्टेपलर हो, पेन हो, कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हो, यानी आपको जिन चीजों को बार बार इस्तेमाल करना होता है वो चीजें आप ड्रॉअर में रख देते हैं ताकि आपका वक्त बच सके। तो दोस्तों, वो जो ड्रॉअर्स हैं वो कैश मेमोरी है जो कि सीपीयू के अंदर मौजूद होते हैं और जिनकी स्पीड सीपीयू चिप के काम करने के बराबर होती है। मदरबोर्ड के अंदर सीपीयू होता है और उस सीपीयू के अंदर कैश मेमोरी लगी होती है। अब जो सीपीयूस आ रहे हैं उनमें एक से ज्यादा कैश लगी होती है जो कि लेवल्स के अंदर बटी हुई होती है, जिनकी तीन टाइप्स हैं। लेवल 1 जिसको L1 कैश भी कहते हैं, लेवल 2 जिसको L2 और लेवल 3 जिसको L3 कैश कहा जाता है। तो दोस्तों, सीपीयू कैश के अंदर क्या रखता है? सीपीयू कैश के अंदर फ्रीक्वेंटली यूज डेटा यानी जो डेटा या फिर इंफॉर्मेशन और प्रोग्राम बार बार सीपीयू इस्तेमाल करता है वो रखता है ताकि वो उसे जल्दी से जल्दी मिल जाए। सीपीयू को जब डेटा की जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले वो कैश मेमोरी के लेवल 1 में उसको ढूंढता है। अगर वो डेटा उसे ना मिले तो फिर लेवल 2 कैश में उसको देखता है और अगर वहां भी नहीं मिलता तो लेवल 3 में उस डेटा को तलाश करता है। आमतौर पर जो फ्रीक्वेंटली यूज चीजें
सीपीयू को चाहिए होती हैं वो सीपीयू को इन तीन लेवल्स में मिल जाती हैं, और अगर फिर भी नहीं मिलती तो सीपीयू रैम से उसे हासिल कर लेता है, और इस तरह से सीपीयू अपना काम करता है। और कैश हाई स्पीड होने की वजह से सीपीयू के काम करने में बहुत मदद करती है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि सीपीयू के तीन लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तो सबसे पहला लेवल 1 कैश मेमोरी, बहुत ही कम मेगाबाइट्स की मेमोरी होती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा फास्ट होती है, जो कि सीपीयू के सबसे करीब लगी होती है। उसके बाद लेवल 2 कैश मेमोरी होती है, लेवल 2 कैश लेवल 1 की निस्बत ज्यादा बाइट्स की होती है, जो कि सीपीयू के अंदर ही लगी होती है। उसके बाद कुछ कैश और की जरूरत पड़े तो लेवल 3 कैश होती है। लेवल 3 कैश ऐसी कैश होती है जो मदरबोर्ड पर इंस्टॉल होती है, ये सीपीयू की चिप के अंदर नहीं लगी होती। इसके बाद रैम मेमोरी, जो हमारी मेन मेमोरी आती है। तो दोस्तों, अगर सीपीयू को डाटा लेवल 1 में नहीं मिलता तो वो लेवल 2 में चेक करता है, और लेवल 2 में भी नहीं मिलता तो लेवल 3 में चेक करता है, और अगर लेवल 3 में नहीं मिलता तो वो लोकल मेमोरी यानी मेन मेमोरी के अंदर उस डाटा को तलाश करता है, और मेन मेमोरी के अंदर उसको वो डाटा मिल जाता है। लेकिन L1 कैशे से वो बहुत जल्दी डाटा को एक्सेस कर सकता है, L2 में अगर जाएगा तो उसको थोड़ा और वक्त लगेगा, L3 में और ज्यादा, और मेन मेमोरी के अंदर तो बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। इसीलिए अपने वक्त को बचाने के लिए और तेजी से काम करने के लिए सीपीयू के अंदर कैश मेमोरीज का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आजकल के दौर मल्टी कोर सीपीयूज का है, जैसे कि हमने पिछले को प्रोसेसर्स के बारे में भी देखा था कि एक सीपीयू चिप के अंदर एक से ज्यादा प्रोसेसर मौजूद होते हैं, जिन्हें डुअल कोर, क्वाड कोर वगैरह कहा जाता है। वर्चुअल मेमोरी एक कॉन्सेप्ट है, अभी तक हमने मेन मेमोरी और कैश मेमोरी के बारे में पढ़ा है, ये दोनों हार्डवेयर मेमोरीज हैं, मींस कोई मादी वजूद रखती हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, ये फिजिकल मेमोरीज होती हैं, जबकि वर्चुअल मेमोरी एक सॉफ्टवेयर है, यानी ये इंस्ट्रक्शन पर मबनी होता है, इसको हम छू नहीं सकते। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि वर्चुअल मेमोरी आखिर काम कैसे करती है और इसके क्या फायदे होते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि जिन प्रोग्राम्स को प्रोसेस होना होता है वो मेन मेमोरी में मौजूद होते हैं, यानी सीपीयू की पहुंच में सिर्फ मेन मेमोरी है यानी रैम तक होती है, वहीं से वो प्रोग्राम्स को उठाकर प्रोसेस कर सकता है। अब मान ले कि प्रोग्राम इतना बड़ा है साइज में कि वो मेन मेमोरी में नहीं आ सकता। तो दोस्तों, मान ले कि प्रोग्राम 4GB का है, जबकि आपके कंप्यूटर में मौजूद रैम का साइज महज 2GB का है, कि रैम फाइनाइट होती है, उसकी एक लिमिट होती है, वो 2GB, 8GB और 16GB मैक्सिमम किसी लैपटॉप में रैम मौजूद होती है। तो दोस्तों, जब रैम का साइज महदूद है और एक प्रोग्राम मेमोरी में फिट ही नहीं आ सकता, यानी वो आपकी मेमोरी से भी बड़ा है, तो अब सीपीयू उसको प्रोसेस किस तरीके से करेगा। तो यहाँ कॉन्सेप्ट आया वर्चुअल मेमोरी का, जिन प्रोसेस का साइज मेन मेमोरी से भी बड़ा होता है उन्हें भी रैम में फिट किया जा सकता है वर्चुअल मेमोरी के जरिए। के बाद तो दूसरा कॉन्सेप्ट था जिसके अंदर वर्चुअल मेमोरी की जरूरत पेश आई, वो था डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग का। मल्टी प्रोग्रामिंग मीन्स बहुत सारे प्रोग्राम्स को एक वक्त में रन करना। दोस्तों, पहले जब हम अक्सर एक साथ गाने सुन रहे होते थे, साथ ही गेम खेल रहे होते थे, या फिर वर्ड पर कोई काम कर रहे होते थे, साथ साथ प्रिंटिंग भी कर रहे होते थे, तो हमें अक्सर फील होता था कि हमारा कंप्यूटर स्लो काम कर रहा है, क्योंकि मल्टीपल प्रोग्राम्स को एक साथ रन कर रहे होते थे। लेकिन वर्चुअल मेमोरी ये कहती है कि जितने चाहे नंबर ऑफ प्रोसेसेस प्रोग्राम्स आप एक साथ रन करें, आपका कंप्यूटर स्लो नहीं होगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि प्रोग्राम्स को रन करने से पहले मेन मेमोरी में डालना होता है, और मेन मेमोरी तो लिमिटेड है, और ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम्स को मेन मेमोरी में लाना है तो इसके लिए भी तो मेन मेमोरी का साइज बड़ा करना होगा। लेकिन वर्चुअल मेमोरी ये कहती है कि मेन मेमोरी का साइज बड़ा करने के अलावा, यानी मेन मेमोरी का साइज बड़ा ना भी हो, तब भी आप मल्टीपल प्रोग्राम्स को जो कि आपकी मेन मेमोरी से भी ज्यादा बड़े हैं उनको आप प्रोसेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि आखिर ये वर्चुअल मेमोरी काम कैसे करती है। दोस्तों, वर्चुअल मेमोरी के अंदर सबसे पहले हार्ड डिस्क में मल्टीपल प्रोसेसेस को, मल्टीपल प्रोग्राम्स को पेजेस में डिवाइड किया जाता है। पेजिंग मींस जैसे एक बुक को हम बहुत से पेजेस में डिवाइड कर देते हैं, और तमाम पेजेस का
एक ही साइज होता है। बिल्कुल ऐसे ही किसी एक प्रोग्राम को बहुत से पेजेस में डिवाइड कर देते हैं, यानी हार्ड ड्राइव में, हार्ड डिस्क में मौजूद प्रोग्राम्स को एक ही साइज के पेजेस में डिवाइड कर देते हैं। तो दोस्तों, अब हम एक प्रोग्राम को, एक पूरे प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लाने के बजाय रिक्वायर्ड प्रोसेसेस को मेन मेमोरी में लाते हैं, यानी जिन प्रोसेस की अभी जरूरत है हम सिर्फ उन्हीं पेजेस को मेन मेमोरी के अंदर लाकर रख देंगे। फॉर एग्जांपल, अभी हमें प्रोग्राम P1 के पेज नंबर 2 को प्रोसेस करना है, यानी सीपीयू को पेज नंबर 2 को प्रोसेस करना है, तो वो सिर्फ आपकी वर्चुअल मेमोरी सिर्फ P2 को नहीं लेकर आएगी, बल्कि प्रोग्राम 2 के पेज P1, P3, P4, यानी एक प्रोग्राम के कुछ पेजेस को मेन मेमोरी में लाकर रख देगी। दोस्तों, क्योंकि हमारी वर्चुअल मेमोरी बहुत इंटेलिजेंटली काम कर रही होती है, क्योंकि उसको पता होता है कि जब यूजर रिक्वायर्ड पेजेस को प्रोसेस कर लेगा तो हो सकता है कि उसे उस पेज के अगले या फिर पिछले पेज को प्रोसेस करने की जरूरत पड़े। इसीलिए ये पूरे प्रोग्राम के बजाय उसके कुछ पार्ट्स को, कुछ हिस्सों को मेन मेमोरी में लाकर रख देता है, और इसी तरह तमाम प्रोग्राम्स के कुछ पेजेस को मेमोरी में लाकर रख देता है। और इससे यूजर को लगता है कि जब मैं प्रोग्राम 1 को कॉल करता हूं तो प्रोग्राम 1 कॉल हो जाता है, प्रोग्राम 2 को करता हूं तो प्रोग्राम 2 कॉल हो जाता है, और इसी तरह 3, 4, 5, 6, 7। तो दोस्तों, दरअसल यूजर को ये इसीलिए लगता है क्योंकि वो पूरा प्रोग्राम कॉल नहीं होता, बल्कि जिन पेजेस की यूजर को रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है, सिर्फ वही कॉल होते हैं। और दोस्तों, ये होता कैसे है? ये होता है स्वैप इन और स्वैप आउट के फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए। तो दोस्तों, स्वैप इन में हम कुछ पेजेस को मेन मेमोरी में लेकर आएंगे, और फिर कुछ टाइम बाद, क्योंकि हमारे पास मेन मेमोरी लिमिटेड है, तो जहां लिमिटेशन आएगी, यानी मेन मेमोरी में जगह खत्म होने लगेगी, उसकी जगह से हम उन पेजेस को उसकी वजह से हम उन पेजेस को मुस्तकिल तौर पर मेन मेमोरी में नहीं रख सकते। हमें कुछ टाइम बाद उन पेजेस को मेन मेमोरी से निकालना पड़ेगा और कुछ न्यू प्रोग्राम्स को मेन मेमोरी में लाना पड़ेगा। इसको पेज रिप्लेसमेंट भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये बताता है पेज रिप्लेसमेंट में कि कैसे पेजेस को मेन मेमोरी में डालते हैं और किस वक्त निकालते हैं। ये पूरा प्रोसीजर था वर्चुअल मेमोरी के काम करने का। और इस प्रोसेस का फायदा क्या है? प्रोग्राम्स का साइज कितना ही बड़ा क्यों ना हो और नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितने ही ज्यादा क्यों ना हो, और अगर मेन मेमोरी का साइज महदूद है भी तो कोई मसला नहीं है, वर्चुअल मेमोरी के जरिए हम उन प्रोसेसेस को मेन मेमोरी में ला सकते हैं। और दोस्तों, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है आजकल के दौर में। जितने भी लैपटॉप्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उन सब में वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। वर्चुअल मेमोरी के बाद जो अगली फॉर्म ऑफ मेमोरी है वो है वीडियो मेमोरी। दोस्तों, वीडियो मेमोरी के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट को भी देखना होगा। जैसे कंप्यूटर, जैसे क्रिकेट में ऑलराउंडर होता है जो कि बैटिंग भी कर सकता है, बॉलिंग भी कर सकता है, कीपरिंग और फील्डिंग भी कर सकता है, ओवरऑल सारे काम कर सकता है। लेकिन फास्ट बॉलर जो होता है, जो कि मास्टर होता है बॉलिंग में, ऑलराउंडर भी बॉलिंग कर सकता है लेकिन फास्ट बॉलर उसमें मास्टर होता है, इसीलिए उसको टीम के अंदर लिया जाता है। ऐसे ही सीपीयू ऑलराउंडर है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जो कि कंप्यूटर के तमाम टास्क को कर सकता है, और जीपीयू है वो फास्ट बॉलर की तरह जो कि ग्राफिक्स के काम करने में मास्टर होता है। जितना सीपीयू इंपॉर्टेंट है किसी भी सिस्टम में, उतना ही जीपीयू भी इंपॉर्टेंट है। ग्राफिक्स से रिलेटेड जितना भी काम होता है, प्रोसेसिंग, वीडियोस, गेम्स को रेंडरिंग करना, सब इसी से किया जाता है, यानी ये तमाम ग्राफिक्स को हैंडल करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके कंप्यूटर में जीपीयू नहीं है तो आपका कंप्यूटर, तो आपका सीपीयू भी ग्राफिक्स को हैंडल कर सकता है, क्योंकि सीपीयू तो ऑलराउंडर होता है। लेकिन किसी भी कंप्यूटर में जो सबसे हैवी डाटा होता है वो ग्राफिक्स से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंप्यूटर के अंदर आप वीडियोज बना रहे हैं, गेम्स बना रहे हैं और गेम्स खेल रहे हैं, तो जिसकी वजह से आपका सीपीयू मैथ के इंस्ट्रक्शंस भी कर रहा होता है, साथ साथ आपको ग्राफिक्स से रिलेटेड भी काम कर रहा होता है, तो सीपीयू स्लो हो जाया करते थे। फिर कॉन्सेप्ट आया कि क्यों ना ग्राफिक्स को हैंडल करने के लिए
प्रोसेसर ही बना दिया जाए, तो इसीलिए सीपीयू से तमाम कंट्रोल एक्टिविटीज करवाई जाने लगी और जीपीयू से सारे ग्राफिक्स के डिपार्टमेंट को हैंडल करवाया जाने लगा। और ये दोस्तों जीपीयू अलग अलग भी मार्केट से आप खरीद सकते हैं और कंप्यूटर में ऐड कर सकते हैं, लेकिन अब ये इंटीग्रेटेड भी आ रहे हैं, यानी सीपीयू के साथ ही एक जीपीयू की चिप ही मौजूद होती है। जिस तरह सीपीयू के साथ रैम होती है, जिसे सिस्टम रैम भी कहा जाता है, और सिर्फ उस रैम में मौजूद डेटा को सीपीयू एक्सेस कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है, बिल्कुल ऐसे ही जीपीयू के साथ भी एक रैम लगी होती है जिसे वी रैम कहा जाता है। वी रैम यानी वीडियो रैम। और जीपीयू को जो डेटा चाहिए होता है, यानी जिस डेटा को जीपीयू को प्रोसेस करना होता है, वो तमाम डेटा इस वी रैम के अंदर मौजूद होता है। तो दोस्तों किस तरीके से वी रैम के अंदर डेटा को डाला जाता है? डेटा सबसे पहले सीपीयू के पास जाता है, सीपीयू उसको अंडरस्टैंड करता है, उसको समझता है कि क्या ये डेटा ग्राफिक्स से रिलेटेड है या फिर मैथ से रिलेटेड है। अगर वो ग्राफिक्स से रिलेटेड होता है तो वो उस डेटा को जीपीयू को दे देता है। जीपीयू सबसे पहले उस डेटा को प्रोसेस करने से पहले उसको उसको वी रैम के अंदर महफूज करता है, और वी रैम में महफूज कराने के बाद ही वो उस डेटा के ऊपर प्रोसेस कर सकता है। दोस्तों रैम वॉलेटाइल होती है और बिल्कुल ऐसे ही वी रैम भी वॉलेटाइल होती है, यानी कंप्यूटर के बंद हो जाने पर इसमें मौजूद डेटा भी उड़ जाता है। इसीलिए रैम और वी रैम दोनों को रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहा जाता है, वो वॉलेटाइल है, इनमें कुछ भी डेटा मुस्तकिल तौर पर महफूज नहीं होता। ये समझ लें कि जो डेटा सीपीयू को प्रोसेस करना होगा वो रैम से आएगा, और जो डेटा जीपीयू को प्रोसेस करना होगा वो वी रैम से आएगा। जो डेटा रैम में मौजूद है उसका जीपीयू से कोई लिंक नहीं है, जीपीयू उसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन उस रैम में से डेटा वी रैम में आ सकता है थ्रू स्लॉट्स, और फिर ये जीपीयू उसको एक्सेस कर सकता है। दोस्तों फॉर एग्जाम्पल आपकी रैम 4GB की है और वी रैम 2GB की है। अब आपकी वी रैम फुल हो गई तो जो मोर डाटा है, जो उसके बाद ज्यादा डाटा होगा, वो रैम में स्टोर करवाया जा सकता है। लेकिन अगर आपकी रैम फुल है और वी रैम में जगह मौजूद है, तो रैम का डाटा वी रैम में स्टोर नहीं करवाया जा सकता। फिर जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट आएगा। दोस्तों वी रैम जीपीयू के साथ इंटीग्रेटेड होती है, यानी जीपीयू कि साइज टू साइज जीपीयू वेरी करता है, यानी अलग अलग साइजेस के जीपीयू मौजूद होते हैं, तो उनके साथ साथ वी रैम का साइज भी अलग अलग होता है। जितना पावरफुल जीपीयू होगा उतना ही ज्यादा डाटा, उतनी ही ज्यादा स्पेस की आपकी वी रैम होगी। इसीलिए क्योंकि दोस्तों वी रैम को बहुत ज्यादा स्पेस की जरूरत होती है, इसीलिए वी रैम बहुत ज्यादा फास्ट होती है नॉर्मल सिस्टम रैम से, क्योंकि ग्राफिक्स को, इमेजेस को, वीडियोस को, गेम्स को बहुत हाई बैंडविड्थ की जरूरत होती है। दोस्तों नॉर्मल सीपीयूज की क्लॉक हमने देखी थी कि वो 3-4 GHz तक थी, जबकि जीपीयूज की क्लॉक रेट 1 GHz तक होती है, क्योंकि ग्राफिक्स डिपार्टमेंट को बहुत ज्यादा बैंडविड्थ की जरूरत होती है ताकि तेजी के साथ पिक्चर्स प्रोसेस होकर स्क्रीन पर दिख सके, जो कि हमने डिस्प्ले स्क्रीन के टॉपिक्स में भी देखा था। तो दोस्तों हमने ये देखा कि कंप्यूटर में अगर आपको हाई रेजोल्यूशन के ग्राफिक करने हैं तो ना सिर्फ अच्छा जीपीयू चाहिए बल्कि वी रैम भी हाई स्पेस की होनी चाहिए, ताकि आप स्क्रीन पर डिस्प्ले को तेजी के साथ दिखा सकें। दोस्तों इसके बाद जो आखिरी मेमोरी है वो है फ्लैश मेमोरी। दोस्तों आइए फ्लैश मेमोरी की डेफिनेशन को देखते हैं। जिस तरह रैम या फिर वी रैम वॉलेटाइल होती है, फ्लैश मेमोरी नॉन वॉलेटाइल होती है, यानी इसमें मौजूद डेटा कंप्यूटर के बंद हो जाने के बावजूद भी इसमें महफूज रहता है। मींस इससे डेटा को महफूज रखने के लिए पावर सप्लाई की जरूरत नहीं होती। लेकिन दोस्तों ये फवायद तो हमें हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क में भी फराहम कर रही थी, मींस वो भी नॉन वॉलेटाइल थी, तो फिर हमें फ्लैश मेमोरी की जरूरत क्यों पेश आई? दोस्तों आपने देखा होगा कि अक्सर हम अपने मोबाइल फोन्स या फिर लैपटॉप्स और दूसरी डिजिटल डिवाइसेस का डाटा इस तरह के कार्ड्स में स्टोर करते हैं, जिन्हें हम मेमोरी कार्ड कहते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये दूसरी डिवाइसेस की तरह, दूसरी डिवाइसेस की निस्बत
साइज में बहुत छोटे हैं, इसीलिए पोर्टेबल भी हैं, यानी आसानी इनमें मौजूद डेटा एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल या फिर एक मोबाइल से दूसरे लैपटॉप और इसी तरीके से दूसरे डिजिटल डिवाइसेस के अंदर आसानी डेटा को ट्रांसफर किया जा सकता है। दूसरा इनका फायदा ये है कि ये एसडी कार्ड से भी इस्तेमाल होती हैं। एसडी कार्ड मींस सॉलिड स्टेट डिवाइसेस, मींस ये दूसरी स्टोरेज डिवाइसेस की तरह डेटा को रीड या फिर राइट करवाने के लिए किसी सीडी या फिर डीवीडी प्लेयर का इस्तेमाल नहीं हो सकती। इसके जरिए डिस्क को मूव करवाया जाता है, तो जब ये मूव नहीं करती तो इनमें डेटा किस तरीके से महफूज होता है? दोस्तों इसमें बहुत छोटे छोटे सेल्स मौजूद होते हैं, उन सेल्स को चार्ज करके डेटा को महफूज किया जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि तमाम स्टोरेज डिवाइसेस में डिजिटल डेटा स्टोर होता है, यानी जो वन और जीरोस के फॉर्म में होता है, तो जो सेल चार्ज हो जाता है वो वन को रिप्रेजेंट करता है और जो नहीं होता वो जीरो को रिप्रेजेंट करता है। इनमें सेल्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि बहुत बहुत छोटे होते हैं, जिसकी वजह से वो छोटी सी जगह में बड़ी तादाद में डाटा को अपने अंदर महफूज कर सकती है। इसीलिए आजकल इतने छोटे से मेमोरी कार्ड में 8 GB, 16 GB और 32 GB और इससे भी ज्यादा GB की फ्लैश मेमोरीज आ गई हैं। दोस्तों USB यानी पेन ड्राइव के अंदर इसी फ्लैश मेमोरी के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों यहाँ तक हमने ये देखा कि कैश मेमोरी, यू मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी और फ्लैश मेमोरी इस तरीके से काम करती है। अगले लेक्चर में हम कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल की जाने वाली पोर्ट्स और स्लॉट्स को डिटेल में पढ़ेंगे।